स्वागत है आपका एसएस नोट स्टडी पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे तो आरएससीईटी एग्ज़ाम 2020 के बारे में। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि तो आरएससीईटी तो एग्ज़ाम 2020 का एग्ज़ाम होना है, क्योंकि वो कोरोना की वजह से आरएससीईटी एग्ज़ाम अभी 2020 के अंदर तो बहुत सारी तो शिफ्टों के एग्ज़ाम अभी तो बाकी है। तो दोस्तों आरएससीईटी का एग्ज़ाम वो कब होगा इसकी आपको मैं पूरी डिटेल साथ जानकारी बताऊंगा। अगर दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपको राजस्थान के अंदर जितने भी तो भर्तियाँ होती हैं उनके एडमिट कार्ड, उनके एग्ज़ाम की डेट की तो पल पल की अपडेट आपको समय पर मिलती रहे। तो दोस्तों तो आरएससीईटी एग्ज़ाम तो कब होगा? तो दोस्तों तो मान के चलिए जिस हिसाब से तो कोरोना महामारी की वजह से के राजस्थान समेत तो पूरे देश के अंदर लॉकडाउन होने के कारण तो बहुत सारी तो भर्तियों के एग्ज़ाम भी वो पोस्टमैन हो गए, और उसमें से अभी तो आरएससीईटी का एग्ज़ाम तो मान के चलिए कि जुलाई के अंदर जैसे कॉन्स्टेबल का एग्ज़ाम है, और जुलाई के अंदर कॉन्स्टेबल का भी एग्ज़ाम है, कॉलेजों की एग्ज़ाम है, अभी जून के अंदर तो वो 10वीं 12वीं के एग्ज़ाम भी होने बाकी है। तो उस हिसाब से मान के चलिए कि आपका तो आरएससीईटी का एग्ज़ाम जुलाई जुलाई के आखिरी सप्ताह या तो अगस्त के अंदर होने की संभावना तो जताई जा सकती है। तो मान के चलिए आपका आरएससीईटी का एग्ज़ाम जुलाई या तो अगस्त के अंदर हो सकता है आपका एग्ज़ाम। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इस हिसाब से मैं मेरे चैनल पर जो भी तो आरएससीईटी के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन आंसर आते हैं, जो जो बार बार तो रिपीटेड तो क्वेश्चन होते हैं, तो उस तो क्वेश्चन की मैं आपको एक मैं सीरीज़ के रूप में आपको मैं डेली तो 50 से 60 क्वेश्चन तो पढ़ूंगा। तो मेरा 100% है कि अगर आप तो उन क्वेश्चन को अगर आप तो पढ़ के जाएगी आपका तो पेपर के अंदर आप सॉलिड से तो आरएससीईटी के तो एग्ज़ाम आप तो क्वालिफाई वो कर पाएंगे, क्योंकि मैं वो क्वेश्चन मैं लेके आऊँगा जो एग्ज़ाम के बार बार सेम टू सेम बुक रिपीट होते हैं। ओके दोस्तों, आप सभी को पता है कि आरएससीईटी के एग्ज़ाम के अंदर तो हर बार वो क्वेश्चन तो रिपीटेड तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो तो बार बार एग्ज़ाम के अंदर तो रिपीटेड होते हैं। ओके दोस्तों, तो ऐसी मैं सीरीज़ में चलाऊँगा। अगर आपको हमारे अगर आप इस तो वीडियो को अगर तो अच्छे से लाइक और सब्सक्राइब और तो वायरल वो करोगे, अगर मुझे इस तो मुझे आप मुझे मतलब ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको क्या आरएससीईटी के एग्ज़ाम के अंदर तो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से तो मेरे द्वारा आपको वो क्वेश्चन तो सही है, तो आप मुझे तो कमेंट बॉक्स में तो ये अपना एक तो कमेंट है ज़रूर कीजिए कि यस सर हमें वो सही है। तो दोस्तों मैं आपके लिए एक तो बहुत ही बढ़िया मैं सीरीज़ में लेके आऊँगा। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।